प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नागपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एम्स नागपुर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर में मेट्रो सेवा की भी शुरुआत की। मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के बाद उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ मेट्रो की सवारी की। स्टूडेंट्स ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत भी की। से पहले उन्होंने नागपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह देश की 6वीं वंदे भारत ट्रेन है। यह ट्रेन नागपुर से रायपुर के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर में 520 किलोमीटर लंबे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। यहां ढोल बजाकर उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी कलाकारों के बीच पहुंचे और उनके साथ ढोल भी बजाया। नागपुर एक्सप्रेस वे का पहला चरण पूरा हो गया है। 6 लेन के एक्सप्रेस वे को समृद्धि महामार्ग नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेस वे उत्तरी महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के 10 जिलों से गुजरेगा। यहां से प्रधानमंत्री मोदी गोवा जाएंगे, वहां मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। Thank you.